हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लास्टिक चेस्ट ड्रॉर्स स्टोरेज की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा, कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और इसे मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से एंड ये मुझे रिसीव्ड हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसा और किस कंडीशन में रिसीव्ड हुआ है और जानते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। जैसा कि इसका MRP है 2625 रुपये, बट आफ्टर डिस्काउंट 1199 रुपीज़ में ये मुझे रिसीव्ड हो चुकी है। कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आती है, बहुत अच्छे से इसमें रैप्ड किया हुआ है, बहुत हार्ड वाला थिक कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। 5 शेल्फ्स के साथ आती है, मीन्स 5 ड्रॉर्स है स्टोरेज के लिए। लॉकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये लॉक नहीं हो पाता है, प्लास्टिक मटेरियल से पूरा बना हुआ है। इस तरीके से एक पॉली बैग में आपको मिलते हैं कुछ इसके अटैचमेंट जो इसको सपोर्ट करेंगे लगाने में। असेंबलिंग जो है इसकी बहुत इजी है और असेंबलिंग के लिए आपको एक पेपर पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। इस तरीके के नॉब्स मिले हैं कुछ ढेर सारे और ये एक पेपर मिला है। पेपर पे इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। ये मल्टी कलर में भी आता है और भी कलर में अवेलेबल है। मैंने इसका पिंक कलर चूज़ किया है और कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन पिलर और बेस पिलर है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस तरीके की 5 बकेट रिसीव्ड हुई हैं जिनकी क्वालिटी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी बकेट में स्क्रैच नहीं था। आप पहले ही सारे बकेट्स को चेक कर लीजिए क्योंकि रिटर्न पीरियड ओवर होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सबसे पहले चेक कर लिए थे उसके जितने भी प्लास्टिक मटेरियल आए थे, कहीं पे क्रैक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। ये जो ऊपर मिलता है ये आपको सबके सबसे टॉप पे लगाना है। उसके बाद असेंबलिंग के लिए ये 5 अटैचमेंट मिलते हैं जो हर एक बकेट को लगाने के बाद अटैच करना है इस तरीके से कुछ। और इस तरह से ये स्लाइड होके बाहर आता है और अंदर जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पे 4 प्लर्स लगाने हैं जो कि बहुत आसानी से लग जाते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप वीडियो में देखते जाएंगे कि इसको कैसे असेंबल किया जाता है। बहुत ईजिली असेंबल हो जाता है, कोई भी स्क्रू या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी क्वालिटी है प्लास्टिक की। जो पिंक वाला मिला है उसकी भी, और जो वाइट वाला है ये पूरा वाइट नहीं है, थोड़ा सा ऑफ वाइट है। और इस तरीके से बकेट को लगा देना है। बकेट में जो स्टोरेज की जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स स्टोरेज आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, हर एक स्टोरेज बॉक्स में या ड्रॉर में हम कितना स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने जो स्टोरेज किया है वो लेस देन 5 kg किया है, मींस अप्रॉक्सीमेटली 4 kg हर बकेट में आप इजली रख सकते हैं। वो चाहे आपकी क्लोथिंग हो, आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपका सारा सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। एक में आप अपने टॉयज रख सकते हैं बच्चों के, या फिर जो इनको किचन में यूज़ कर रहे हैं तो एक रैक में मसाले यूज़ कर सकते हैं, एक में छोटी कप्स क्रॉकरी भी रख सकते हैं बहुत ईजली। बहुत अच्छा सारा स्पेस है इसमें। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 kg का वेट हर एक रैक में रखा हुआ है। तो अभी तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसमें आपको व्हील्स नहीं मिलते हैं। हो सकता है मे बी जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हों उसमें व्हील्स हों, बट ये वाले ऑप्शंस में व्हील्स नहीं थे। और मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि व्हील्स में बहुत ज़्यादा सामान रखा होता तो ये हल्का से भी हाथ लगाने से खिसक जाता है। बहुत स्टडी तरीके से ये रुक गया था, तो व्हील्स होते तब भी ठीक था। और नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिखाया था, नहीं है, शो किया था उसमें भी व्हील्स नहीं थे। बट जो थोड़े और आपका बजट हो तो आप और कॉस्टली ले सकते हैं, उसमें व्हील्स होते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने पूरा असेंबल कर लिया था। और ये मल्टीपर्पज़ है, आप अपने स्टडी रूम में भी रख सकते हैं, किचन में भी, यूटिलिटी रूम में रख सकते हैं। कोई का न्यू बॉर्न बेबी है तो अपने सारे सामान को एक जगह पे रखना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप स्टोरेज के लिए और डेली यूज़ की चीज़ों के लिए। छोटी छोटी बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक और अपना स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं। बहुत अच्छे से आ जाता है हर एक बकेट में, बहुत ही ज़्यादा वाला स्पेस दिया हुआ है। तो प्राइस की बात करते हैं, अब 2625 रुपये प्राइस था, बट आफ्टर डिस्काउंट 1199 रुपीज़ का मुझे मिल गया है। तो प्राइस को ये पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, वर्थ इट है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है।
और मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ, और वीडियो मैंने वॉइस ओवर करके थोड़े दिन बाद दिया है ताकि मैं रिव्यू आपके साथ बता सकूँ। क्वालिटी काफ़ी स्टडी है और आई थिंक 1300 तक के ये ठीक है, और प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हो सकता है आपको इससे कम में भी मिल जाए या फिर इससे 2-4 रुपए ज़्यादा में। तो उसके लिए बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी जो वार्डरोब होते हैं उनका भी अनबॉक्सिंग किया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम जल्द से जल्द इसके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप होम डेकोर का कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके भी कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे होम के लिए प्लांट्स, फ्लावर्स ये सब ऑर्डर किए हुए थे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।